नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे ALP एग्ज़ाम के बारे में, CBT 2 के बारे में, जिसका आज का बोर्ड है RRB गुवाहाटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका जो है फुल एनालिसिस करने के बाद बताया जाएगा इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा ALP के और जो है PCM और ITI तीनों का बताया जाएगा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे और ध्यान से देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि कट ऑफ में कितनी सच्चाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम नए वीडियो लाए तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो है गुवाहाटी बोर्ड में कितने वैकेंसी थी टोटल। तो टोटल वैकेंसी गुवाहाटी बोर्ड में 1215 था। उसके बाद ALP का जो वैकेंसी था, इसमें ALP वाले को 420 पोस्ट था और ITI टेक्नीशियन वाले को 639 पोस्ट था और PCM टेक्नीशियन वाले को 156 पोस्ट था। तो ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो इसका जो RRB का नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था उससे हम इस डाटा को हम कलेक्ट किए हैं। तो आप मिला भी सकते हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन से। तो इतना ही बहाली वैकेंसी आई हुई थी जिसको हमने यहाँ पे सभी को एक साथ कलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका हम ओल्ड रिजल्ट, जो प्रथम बार जो रिजल्ट आया था उसके बारे में हम देखते हैं पहले। तो इसमें जो आया था ALP कट ऑफ इन ओल्ड रिजल्ट पुराने वाले का, तो इसमें जनरल वाले को जो था 40.91 मार्क्स में इसका जो है रिजल्ट हुआ था। OBC वाले को 33.16, SC वाले को 30.05 और ST वाले को 25.3 मार्क्स, इतने जिसके जिसके मार्क्स आए थे उनका रिजल्ट जो था प्रथम बार में हो गया था। उसके बाद देखते हैं टेक्नीशियन ITI कट ऑफ मार्क्स। तो इसका जो था जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही उठा लिया गया था, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो था इसका उतने ही लड़के लोग पूर नहीं रहे थे, तो इसलिए इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसका उठा लिया गया था। तो जनरल में इसका जो था मैक्सिमम जो गया था वो 48 गया था इसका, OBC का 33.18 गया था, SC का 34 और ST का 28.28। इसके बाद हम लोग बात करते हैं PCM वाले को। तो PCM टेक्नीशियन कट ऑफ इसका गया था प्रथम बार में जनरल वाले को 61.36, OBC को 56.8, SC का 50.5 और ST का गया था 43। तो टोटल जो सिलेक्शन हुआ था प्रथम बार के रिजल्ट में वो हुआ था 10,325। तो इसका वैकेंसी टोटल पोस्ट था इसका 1215 पोस्ट था टोटल 1215, और इसका जो रिजल्ट आया था टोटल वो था 10,325। लगभग 8.5 गुना इसका रिजल्ट दिया था प्रथम बार के रिजल्ट में। उसके बाद जो था नया रिजल्ट जारी किया गया था उसमें ALP ITI PCM सभी का जो कट ऑफ था मिनिमम कट ऑफ मार्क्स पे ही उठा लिया गया था। तो मिनिमम जो कट ऑफ जनरल वाले को था वो 40 था, OBC का 30 था, SC का भी 30 था और ST का 25 था। तो ये टोटल सिलेक्शन जो है सेकेंड बार में जो हुआ था उसमें 23,600 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था। लगभग 18.5 गुना विद्यार्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था सेकेंड बार में। तो चलिए अब देखते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने कितने हैं ALP में, ITI में और फिर PCM वाले को। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ ALP कैंडिडेट। तो इसका जो लगभग जो था 12 गुना रिजल्ट ALP कैंडिडेट को दिया गया है। तो 12 गुने देखिए यहाँ पे टोटल रिजल्ट जो था इसका टोटल वैकेंसी था 420 और लगभग जो सेकेंड बार में जो रिजल्ट आया था उसमें 12 गुना रिजल्ट इसका दिया गया था। तो 12 गुने 420 हम करते हैं तो अप्रॉक्स में, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स में लगभग 5000 जो कैंडिडेट मानते हैं हम कि ALP का जो ALP में क्लियर हुआ था। और उसके बाद ITI टेक्नीशियन वाले को देखते हैं तो इसका भी 12 गुना जो है रिजल्ट दिया था। तो इसका टोटल सीट था 639, तो लगभग इसका भी जो है 7500 स्टूडेंट जो है इसका भी क्वालिफाई किए हैं लगभग। और इसके बाद हम देखते हैं इसका जोड़ देते हैं 7000 और 5 12000,
12,500, और टोटल जो है यहाँ पे से देख सकते हैं टोटल यहाँ से 23,600 का रिजल्ट आया है। इसमें हम अगर जो टोटल को घटा देते हैं तो लगभग 11,000 जो है वो पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं। तो इनका जो सीट है, इनका तो एक तो सीट भी कम है, और रिज़ल्ट जो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट इन्हीं का दिया है। देखिए यहाँ पे पीसीएम वाले का 156 सीट ही है, और इनका जो रिज़ल्ट दिया गया है वो लगभग 11,000 के लगभग विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं। लगभग तो 70 गुना स्टूडेंट, यानी आपको एक सीट पे 70 विद्यार्थियों का फाइट है। तो आप तो इस कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं कि इसका कट ऑफ तो अधिक जाना ही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि एलपी वैकेंसी जो है उसका 420 है। इसमें जो है सीबीटी 2 में अगर जो पास कर गए तो इसके बाद भी इनको एक और एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा, उसमें 8 गुना जो है फिर से 8 गुना का रिजल्ट होगा साइको के लिए। साइको में तो लगभग 8×32 लगभग 3,000 मान लेते हैं, तो 3,000 स्टूडेंट का फिर से सेकेंड बार में जो रिज़ल्ट आएगा सीबीटी 2, उसमें साइको के लिए जाना पड़ेगा। और आईटीआई टेक्नीशियन वाले को तो डायरेक्ट इनका जो है मेरिट लिस्ट बन करके आएगा, इनका रिज़ल्ट ही आएगा, और पीसीएम वाले को ही रिज़ल्ट आएगा। तो ये था एनालिसिस। इसके बाद हम अब इसका जो है कट ऑफ बता देते हैं कि कितना कट ऑफ सभी बोर्ड का जाने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एएलपी के बारे में। ये नंबर जो हम बताने जा रहे हैं वो है नॉर्मलाइज के पहले का मार्क्स है। नॉर्मलाइज होने के बाद तो नंबर बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये कोई एग्जैक्ट बता नहीं सकता, क्योंकि इसका जो सारी डिटेल्स होती है वो बोर्ड के पास सुरक्षित होता है। तो फिर भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, तो भोपाल का एएलपी वाले को अगर जो उनका 44 से 46 के बीच में आ रहे हैं तो वो एकदम मानिए वो है सेफ जोन में है, उनको किसी प्रकार के तकलीफ नहीं होगा और वो साइको की तैयारी में लग जाए। उसके बाद ओबीसी वाले को अगर जो यहाँ से 40 से 42 नंबर आ रहे हैं तो वो भी साइको की तैयारी में लग जाए, उनकी भी साइको के लिए जो है अप्लीकेबल वो भी हो जाएंगे, क्योंकि 40 नंबर अच्छा खासा नंबर है। और इसके बाद हम देखते हैं एससी वाले को, तो एससी वाले को 37 से 40 नंबर अभी जिनका आ रहा है वो एकदम बेफिक्र रहे, उनका रिज़ल्ट मैक्सिमम चांस है कि उनका रिज़ल्ट साइको के लिए होगा, तो वो भी साइको की तैयारी अभी से ही करना चालू कर दे। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैंडिडेट के बारे में। तो एसटी कैंडिडेट के बारे में जिनका अभी 34+ मार्क्स आ रहे हैं वो भी साइको के लिए तैयारी करने में लग जाए, क्योंकि उनका भी जो है सिलेक्शन मैक्सिमम चांस है कि उनका भी सिलेक्शन होगा। अब हम लोग बात करते हैं आईटीआई टेक्नीशियन के बारे में। तो आईटीआई टेक्नीशियन के जो है अभी अगर जो नॉर्मलाइज के पहले आपका मार्क्स 45 से 48 के बीच में आ रहा है तो समझिए कि आपका मैक्सिमम चांस है कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी के बात करें तो 41 से 44 के बीच में जिन जिन का नंबर आ रहा है उनका भी मैक्सिमम चांस है कि वो भी सिलेक्शन उनका भी हो जाएगा। और एससी के लिए 37 से अगर जो 40 के बीच में आ रहा है नंबर तो वो भी बेफिक्र रहें, उनका भी जो है सिलेक्शन मैक्सिमम चांस है कि होगा ही होगा। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे लास्ट एसटी का। तो इनका अगर जो 34 से 38 नंबर के बीच में आ रहा है नॉर्मलाइज के पहले तो इनका भी सिलेक्शन का मैक्सिमम चांस है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीसीएम टेक्नीशियन वाले को। तो इनका तो जैसे आप यहाँ पे देखे थे कि इनका बहुत ज़्यादा जो है पीसीएम वाले को एक सीट पे आपको वहाँ उधर हम कैलकुलेट करके बता दिए थे कि एक सीट पर 70 स्टूडेंट का फाइट है, टोटल 11,000 लगभग कैंडिडेट इसमें जो है पास किए हुए हैं। तो चलिए इसका कट ऑफ देखते हैं, इनका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाने वाला है। तो चलिए यहाँ बात करते हैं सबसे पहले हम लोग जनरल की। तो जनरल वाले को अगर जो 68 से 74 के बीच में आ रहे हैं तो वो भी एक मान के चले कि वो भी सेफ जोन में है। उसके बाद ओबीसी के बात करें तो 66 से
जिनका 70 के बीच में आ रहे हैं वो भी मान के चलिए कि वो भी जो है सेफ जोन में है। और एससी की बात करें तो 64 से लेकर के 68 तक अगर जो अभी नॉर्मलाइज के पहले मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी मान के चले कि अभी वो सेफ जोन में है। इसके बाद एसटी की बात करते हैं तो एसटी का जो है 62 से 66 के बीच अगर जो मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी मान के चलिए कि वो भी सेफ जोन में है। तो ये था आपका फुल एनालिसिस आरआरबी भोपाल के बारे में। तो वीडियो अगर जो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।